आज हम आपके लिए विला का न्यू ऑप्शन लेकर के आए हैं। आज हम देखने वाले हैं सिंप्लेक्स विला, जो कि एक फ्लोर के बने हुए होते हैं। पूरी गेटेड आपकी सोसाइटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है। ओनली 22 विला लेकर के आए हैं सिंप्लेक्स। आज हम देखने वाले हैं 70 स्क्वायर यार्ड का विला। ये इसका मेन गेट रहेगा। फ्रंट का एलिवेशन आपने देख लिया, सेम इसी टाइप का होने वाला है। मेन गेट से आप जैसे ही एंटर करते हैं तो कुछ स्पेस आपको इस टाइप का नज़र आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड पे आपको ओपन किचन देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड सामने आपके दो बेडरूम आ जाते हैं, उसके बाद आपका ड्राइंग रूम हो गया। अगर राइट हैंड पे बात करें तो स्टेयर्स आ जाते हैं एंड कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये हमारा सामने मेन गेट था एंड ये हमारे स्टेयर्स थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ये ऑलरेडी सेल हो चुका है, तो ओनर हैं वो अपने थोड़े चेंजेस करा रहे हैं। अगर आप भी इस टाइप का विला लेते हैं, अगर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ अलग हट करके चीज़ें करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको, बिल्डर उसी कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें करके देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेयर्स बनाए हुए हैं, सामने दो बेडरूम दिए हैं, ओपन किचन दी हुई है इन्होंने, ड्राइंग रूम भी दिया हुआ है। तो अगर इनका ये लेआउट देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी खुलापन लग रहा है देखने में, काफ़ी बड़ा साइज लग रहा है। एक्चुअली ये 70 स्क्वायर यार्ड का साइज है, बट देखने में कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड दो बेडरूम आपके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, अप्रूवल मिला हुआ है। दो फ्लोर अपने हैंड से और भी बनवा सकते हैं। तो आपका ये सिंप्लेक्स विला आ जाता है 70 स्क्वायर यार्ड का। इसके अंदर दो साइजेस, ओनली दो साइजेस अवेलेबल हैं, 70 और 100 स्क्वायर यार्ड के। ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। फुल मॉड्यूलर किचन हो गया, बॉर्ड ऑप्स हो गया, एलईडी लाइट, पंखे, गीजर, चिमनी, आरो, ये सारा काम आपको हो करके मिलने वाला है इसके अंदर। अगर मटेरियल की बात करें तो काफ़ी अच्छा मटेरियल लगाया हुआ है इन्होंने और काफ़ी अच्छा लेआउट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो प्रीमियम लोकेशन आ जाती है, सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन है। अगर आपने हनुमान मंदिर गोल चक्कर या ATS गोल चक्कर देखा हो तो उसी के पास में ये आपकी लोकेशन आ जाती है। ज़्यादा दूरी की नहीं है, ऑन रोड की आपकी लोकेशन है। तो कुछ इस टाइप का आपका बेडरूम रहेगा। ये आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है, इसे आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेआउट आपका इसी टाइप का रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस कराना चाहे वो भी अवेलेबल है, वो भी चीज़ें हो जाती हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं सेक्टर 1 के लोकेशन में। अगर आप विला देख रहे हैं और लो बजट के अंदर देख रहे हैं तो आप इसमें सेट बजट प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर लोन की बात करें तो 80% तक लोन अवेलेबल है, लोन भी आप ले सकते हैं। रजिस्ट्री ओपन है, रजिस्ट्री भी आप करा सकते हैं, सारी चीज़ आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। तो अदरवाइज इसके अलावा और भी आपकी कुछ क्वेरी हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपको अच्छी डील मिलेगी अच्छे रेटों के साथ। तो आइए अब हम चलते हैं ऊपर की साइड इसके रो पर। तो हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऊपर से व्यू कुछ इस टाइप का आएगा देखने में। तो अब हम आ चुके हैं इसकी छत पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। सामने बिल्डर फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, तो यहाँ पे पूरा विला और बिल्डर फ्लोर हो गए, अपार्टमेंट हो गए, इस टाइप के आपको लो राइज अपार्टमेंट, विला, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये पूरी हमारी सोसाइटी है। सामने वाली लेन की बात करें तो ये आपके 100 स्क्वायर यार्ड वाले साइज आ जाते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये 70 स्क्वायर यार्ड का साइज है। ये सामने आपका मेन गेट आ जाता है, गेटेड आपकी सोसाइटी रहेगी, रेडी टू मूव के अंदर ऑप्शन है। अदरवाइज और भी कुछ क्वेरी हो तो स्क्रीन पे नंबर शो रखा है।